तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सबको एक बार फिर से स्वागत है फैक्ट सबके एक और सुपर ड्यूपर कूल अमेजिंग सीरीज में। इस सीरीज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 10 कंट्री विथ हाई कोविड-19 केसेस। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर दुनिया भर की बात की जाए तो दुनिया भर में भी 2 लाख प्लस केसेस हर रोज आ रहे हैं। वही दुनिया भर की अब तक की केसेस की बात की जाए टोटली तो दुनिया भर में 1,64,00,000 प्लस केसेस है। वही डेथ्स की बात की जाए तो 6,54,000 प्लस लोगों ने अपनी जान गंवाए हैं। वही रिकवर्ड लोगों की बात की जाए तो 1 करोड़ प्लस लोग ठीक हुए हैं, यानी कि 1 करोड़ प्लस लोग मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना के बाद। ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छी बात है कि वो लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो इस लिस्ट के टॉप 10 पे आते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम विथ 3 लाख प्लस केसेस। वहाँ पर 3 लाख प्लस केसेस हैं। वहीं डेथ्स की बात की जाए तो 45,000 प्लस लोगों ने यूके में जान गंवाई है। इस लिस्ट के टॉप 9 पे आते हैं स्पेन, जहाँ पर भी हैं 3 लाख प्लस केसेस और वहां पर भी 28,000 प्लस लोगों ने जान गंवाए हैं। इस लिस्ट के टॉप 8 पे आते हैं चिली, फ्रॉम 3,40,000 प्लस केसेस हैं चिली में। वहीं डेथ्स की बात की जाए तो 9,000 प्लस लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। और एक और अच्छी बात है चिली में कि रिकवर हुए हैं 3 लाख प्लस लोग, वहां पर रिकवर हुए हैं, यानी कि 3,40,000 से ज़्यादा केसेस हैं। वहीं 3 लाख प्लस लोग ठीक भी हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। इस लिस्ट के 7 नंबर पे आते हैं पेरू विथ 3,50,000 प्लस केसेस। वहीं डेथ्स की बात की जाए तो 18,000 प्लस डेथ्स हुए हैं। वहीं रिकवर्ड लोगों की बात की जाए तो 2,50,000 प्लस लोगों ने फिर से रिकवरी हासिल की है, यानी कि वो फिर से ठीक हो गए हैं। इस लिस्ट के टॉप 6 पे आते हैं मेक्सिको विथ 3,80,000 प्लस केस और वहाँ पर भी हैं 40,000 प्लस लोगों ने अपनी जान गंवाए हैं। वहीं 2,40,000 प्लस लोग रिकवर भी हुए हैं। वाओ, इस लिस्ट के टॉप 5 पे आते हैं साउथ अफ्रीका, जहाँ पर 4,40,000 से ज़्यादा केसेस हैं। वहीं वहाँ पर 6,000 प्लस लोगों ने अपनी जान भी गंवाए हैं। वहीं रिकवर की बात की जाए तो 2,60,000 प्लस लोग फिर से रिकवर भी हो गए हैं। वाओ, इस लिस्ट के टॉप 4 पे आते हैं रसिया, जहाँ पर हैं 8 लाख प्लस डेथ्स, ओ सॉरी 8 लाख प्लस केसेस। वहीं वहाँ पर हुए हैं 30,000 प्लस डेथ्स। वहीं रिकवर लोगों की बात की जाए तो 6 लाख प्लस लोग रिकवर भी हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। इस लिस्ट के टॉप 3 पे आता है हमारा प्यारा देश इंडिया, जहाँ पर भी डेली केसेस बढ़ रहे हैं। केसेस की बात की जाए तो इंडिया में इस वक्त 14 लाख प्लस केसेस हैं। वही 32,000 प्लस लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हमारे इंडिया में इस वक्त 9 लाख प्लस लोग रिकवर भी हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। इस लिस्ट के टॉप 2 पे आते हैं ब्राज़ील, जहां पर 24 लाख प्लस केसेस हैं। वही 87,000 प्लस लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इस लिस्ट के टॉप 1 पे आते हैं US, जहाँ पर हैं 43 लाख प्लस केसेस, जो कि सबसे ज़्यादा है। वहीं डेथ के आंकड़े भी यहाँ सबसे ज़्यादा है 1 लाख प्लस। वहीं रिकवर के आंकड़े भी 20 लाख प्लस से भी ज़्यादा है। मैं आशा करता हूँ कि लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और लोग अपनी जान गंवाना बंद कर दें और जल्दी से जल्दी वैक्सीन भी बन जाए। अभी तक तो वैक्सीन नहीं बनी है, और भी हमें अब खुद को सेफ रखना चाहिए। भले ही लॉकडाउन खुल जाए, भले ही बहुत सारे काम शुरू हो गए, पर हम सबको सतर्क रहना होगा, हम सबको मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर यूज करना होगा और जो जो प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन मेजर्स हैं उन सबको फॉलो करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इन सब देशों का हालत हुआ है, दूसरे देशों का भी हालत हो सकता है ऐसा, इसलिए वो पहले ही प्रिवेंशन मेजर्स अपना रहे हैं। हमारे इंडिया को भी प्रिवेंशन मेजर अभी भी अपनाना चाहिए। हर देश इस वक्त अपने और अपनों का ध्यान रख रही है, हर देश इस वक्त अपने लोगों को इन्फेक्ट होने से रोक रही है, तो आप लोगों को भी अपने और अपनों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए अपने और अपनों का ध्यान रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर
आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखी है हमारे चैनल पे, तो जाके जल्दी देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। There's a distance between us, it's getting hard to reach out.